जी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज तक हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो वीए पार्ट थ्री का जो रिज़ल्ट आया हुआ है, जिसका पेंडिंग दोस्तों है, उसका रिज़ल्ट हम लोग कैसे जो हम लोग नेट पे जो चेक कर रहे हैं रिज़ल्ट, तो उसका शो नहीं कर रहा है, और जो बोल रहा है कंप्लेन करने के लिए, TR डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों मैं हूँ आमिर, आपका स्वागत है आज तक हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको डेली रिजल्ट को आपको सर्च करना है। डेली रिजल्ट पर सर्च कीजिएगा तो फर्स्ट वाला ऑप्शन को आपको ओपन करना है। दोस्तों जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ VKSU UG पार्ट थ्री रिजल्ट, उसको आप क्लिक कीजिएगा। जो 17 से 20 सेशन है उसको आप जैसे दोस्तों उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ से आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। जैसे कि यहाँ पर उसको स्क्रॉल ऊपर कीजिएगा, करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर BA पार्ट वन का यहाँ पर जो है TR लिस्ट वन, यानी यहाँ पर लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको तो समझ गए, 17 से 20 TR लिस्ट यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड यहाँ से आप लोग दोस्तों कर लीजिएगा कॉलेज भाई। अब रहा बात कि हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है BA पार्ट 3 कंप्लेंट शिकायत, जो BSc है चाहे BA है, जो भी कुछ का है वहाँ पर लोग कर सकते हैं। जैसे कि BSc है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे करने के बाद दोस्तों कुछ आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी मांगेगा, इस पर आपको ईमेल आईडी डालना है। इसमें दोस्तों आपको ईमेल आईडी डालने के बाद आपको क्या करना है, इसी तरह के इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। डालने के बाद रोल नंबर, विद्यार्थी का नाम, मोबाइल नंबर, कॉलेज के नाम, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, और यहाँ पर आपको ऑप्शन चुनना है किस तरह से आपका रिजल्ट जो दिखा रहा है यहाँ पर हुआ है। इसी तरह सब भरने के बाद आपको नेक्स्ट करना, नेक्स्ट कीजिएगा तो इसी तरह आपको भरने के बाद से इसी तरह आपको भर लेना है। और लास्ट में आपको अपलोड मांगेगा TR, उसको अपलोड करने के आपको सबमिट कर देना है। बस इतना ही होने के बाद आपका TR कंप्लेंट हो जाएगा। धन्यवाद।